हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है ड्रिलर्स के इंस्टाग्राम चैनल पर, जहां पर हम आपको नए नए आर्टिस्ट लोगों से मिलवाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और आकाश आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे जो सेशन हुए हैं हमारे आज तक, आज का भी अगर हम मिला ले तो 60+ हमारे लाइव सेशंस हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद भी अभी हम कंटिन्यू रख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि एक बहुत अच्छा मीडियम है ये कनेक्टेड रहने का। आर्टिस्ट लोगों को भी मौका मिलता है आगे आने का, और हमारी तरफ से भी उनको एक सपोर्ट मिल जाता है, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज है ये। सो उम्मीद है आप सबको हमारा ये जो लाइव सेशंस हैं ये पसंद आते होंगे, और आपका जो भी मानना है इनको लेकर, अगर आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ पूछना है, ड्रिलर्स प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पूछना है, जो हमारी वेबसाइट है जिस पे हमारी सारी सर्विसेज लिस्ट डाउन है। हेलो 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 सौरभ, हाउ आर यू। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, और आप लोग अपने सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट रेडी रखिए। आप उनसे सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो उनसे पूछना चाहते हैं वो उनसे पूछ सकते हैं, और बहुत ही बा कमाल वो गाते हैं। और टिकटॉक पे 500K+ की उनकी फैमिली रह चुकी है, और अभी वो इंस्टाग्राम पर भी अपना जो है जोहर दिखाते जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारा गाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के थ्रू उनको कमेंट्स मिले हैं, तो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे आज। ओके, व्हेन यू विल टेक मी लाइव, ओके सौरभ, डेफिनेटली हम आपको भी लाइव लेंगे। अपना सेटअप रेडी रखिए, अपना जो भी आपने परफॉर्म करना है वो रेडी रखिए, बाकी हम आपके साथ लाइव जरूर जाएंगे और जल्दी जाएंगे। आप तब तक ड्रिलर्स की जो बाकी सर्विसेज हैं, जैसा कि हम लोग अभी सोशल मीडिया पे ग्रोथ कैसे होती है, ऑर्गेनिकली ग्रोथ कैसे होती है, वो सब प्रोवाइड करते हैं। बायोग्राफीज पब्लिश करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे, और हमारे लास्ट लाइक 6 मंथ्स की जो रीच है वो भी अब 1.54 मिलियंस के अराउंड है। सो जो भी हमारी स्टोरीज हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं www.drillers.com पर, उनको रीच इनफ मिल रही है जो हमने पिछले कुछ टाइम में क्रिएट की है, बिकॉज ये जो कोविड टाइम था इस टाइम सारा कुछ डिजिटाइज हुआ, तो हमने भी एक्सपेंशन करी और इस फील्ड में उतरे। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी पर चलते हैं और सुनते हैं उनसे। लिस्ट रेडी रखिए गाइस, आप साथ के साथ अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन। या हियर ही इज। हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ड्रिलर्स प्लेटफॉर्म, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, सो आकाश, आपका हमने पूरा प्रोफाइल देखा, बहुत ही बाकमाल गाते हैं। आपकी लाइफ जर्नी पर चलेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन का टाइम आपने कैसे यूटिलाइज प्रोडक्टिव वे में किया, क्या कुछ नया सीखा या कैसे उसको बिताया? अभी लॉकडाउन का ऐसा था कि एक्चुअली मेरा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सो वहाँ पर म्यूजिक प्रोड्यूसिंग एंड मिक्स मास्टर ये सब चलता है, तो लॉकडाउन में काम कि काम नहीं था किसी पे भी, तो उस टाइम पे खुद पे काम किया गया, मतलब अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स या इस पे, मतलब काफी सारे लगभग 20-25 ओरिजिनल सॉन्ग बना के रख दिए कि जो अब इन फ्यूचर करे जाएंगे रिलीज। अरे वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हां, उसको मतलब एज अ प्लस पॉइंट लिया गया लॉकडाउन को प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको लगा था ये टाइम जैसे बहुत मुश्किल है, और बहुतों ने इसका फायदा भी उठाया, और आपने अपना फायदा उस चीज का बहुत अच्छे से, क्योंकि नॉर्मली टाइम लगता नहीं है अपने लिए, नॉर्मली टाइम नहीं लग पाता, काम वाम, क्लाइंट्स के काम, ये काम वो काम, तो अपने लिए नहीं लग पाता नॉर्मली, तो वो मतलब था, अच्छा टाइम था मेरे लिए तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आकाश, अब हम कुछ सुनना चाहेंगे आपके तरफ से, पहले कुछ गुनगुना दीजिए, अपनी आवाज का जोहर शाम बना दीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे, बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओरे मनवा, तू तो बावरा है,
जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने यूं सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गुंजसा है कोई एक तारा गुंजसा है कोई एक तारा, वे मलंग मेरा एक तारा गुंजसा है कोई एक तारा, वे मलंग मेरा एक तारा गुंजसा है कोई एक तारा, गुंजसा है कोई एक तारा गुंजसा है कोई एक तारा। थैंक यू, सुपर सुपर शाम बना दिया आपने, और आई रियली वॉन्ट टू से कि आपकी आवाज में जो मिठास है और जो दम भी है साथ के साथ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। कीप सिंगिंग, आपके वीडियोस बहुत सारे हमने देखे हैं आपके प्रोफाइल पर और बहुत अच्छे हैं। तो आकाश शुरू करते हैं, पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आपका स्टूडियो है, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंड में एक जगह है बाजपुर, तो वही मेरा घर भी है, वही मेरा स्टूडियो भी है, और यहाँ मैं क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ म्यूजिक की, गिटार वोकल इन सब के। तो यही है, मतलब स्टार्टिंग यहीं से हुई है और यही है सारा कुछ अभी फिलहाल। ओके ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बचपन, जैसे हर किसी की लाइफ जर्नी की शुरुआत में बचपन का एक पार्ट होता है, वो आपका कैसा बीता है, कैसे स्टूडेंट आप रहे हैं और कैसे आपकी पढ़ाई का रहा है, या कैसे आपकी मौज मस्ती रही है, कुछ उसके पल। एजुकेशन के उस पर लिया जाए तो मैं बहुत एवरेज था पढ़ाई में क्योंकि स्टार्टिंग से ही म्यूजिक में ज्यादा था, तो क्लासेस में भी सीट पे बजा के गाना और ये सब करना ये रहता था, मतलब काफी एवरेज, ऐसा नहीं कि काफी डाउन, तो ऐसा भी नहीं काफी खतरनाक हो गया कि मतलब टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब एक मीडियम जो डिसेंट वो वैसा वाला था, एवरेज मतलब चलते गए बढ़ते गए बढ़ते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही था स्कूल टाइम का। सो सिंगिंग की शुरुआत कब से हुई आपकी, मतलब कैसे शुरुआत हुई, कब आपने फाइनली सोचा कि मेरे को सिंगिंग में ही जाना है या अपना ऐसा सेटअप लगाना है? गाने का शौक तो बचपन से ही था, मतलब नॉर्मल जैसे फैमिली गैदरिंग होती थी या गेट टुगेदर होता था तो एक होता था कि आकाश गाना सुना दे करके, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कि आगे इसी में जाना है या कुछ इस टाइप से, मतलब प्रोफेशनली जाना है या करियर एज अ करियर इसको लेना है, मतलब एक था कि चलो गॉड गिफ्ट है थोड़ा तो उस चीज का फायदा मिल रहा है करके। फिर हम लोग फ्रेंड सर्कल था, तो उसमें हम लोग कॉल आ गया था, तो हमारा फ्रेंड सर्कल था, तो हम लोग की जागरण वगैरह करते थे, जागरण या कीर्तन टाइप जो होता है मंदिरों में हमारे मेरे घर के पास है एक मंदिर, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग वहीं से हुई, मतलब एक जो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है या कैसे काम करना है वो वहां से स्टार्टिंग हुई मेरी, बस अभी फिर चलते गए और अभी भी कर ही रहे हैं। आपकी उस टाइम पे एज क्या थी, कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे? उस टाइम था मैं लगभग 9th 10th क्लास में था जब मतलब स्टार्ट किया था कीर्तन वगैरह करना, कीर्तन वगैरह में गाना जब स्टार्ट किया था तो 9th या 10th इस क्लास में था लगभग, वहीं से मतलब बूस्ट अप थोड़ा मिला क्योंकि लोग फिर थोड़ा सपोर्ट करे और थोड़ा सा तारीफ वारीफ करते थे, तो वहीं से पंप मिला कि हाँ हो सकता है कुछ। राइट। ओके तो आकाश चलेंगे आगे, हम आपसे अगला पूछेंगे कि आपने कब प्रोफेशनली ट्रेनिंग लिया या कैसे लिया, कैसे शुरू हुआ आपका ये सफर। उससे पहले मेरे मन में एक तो रिक्वेस्ट आ रही है, माता रानी की कोई भेंट भी आ रही है वैसे, तो अगर आप लेना चाहें, और नहीं तो एक तेरी मिट्टी का सॉन्ग जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए तेरी मिट्टी गाता हूँ अभी, क्योंकि भेंट अभी सोचना पड़ेगा कौन सी, बहुत टाइम हो गया गए हुए। राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप तेरी मिट्टी गा दी। Mm-hmm.
कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। Nice. ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। ओ तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू ऑप्टेड म्यूजिक एज अ करियर? ओके, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने म्यूजिक चुना? अभी स्टार्टिंग में तो वही सबकी तरह सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जब लगा कि कुछ करके दिखाना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब मैं 11th 10th या 11th में मैंने यहाँ लोकल कॉम्पिटिशन्स काफी विन किए थे। ओके। जैसे नॉर्मल लोकल ऑडिशंस होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, टैलेंट हंट शो लोकल में होते रहते हैं, तो उस टाइप के जब जीते फिर न्यूज़पेपर में नाम, ट्रॉफी, ये सब हुआ, तो थोड़ा सा उनको लगा कि मतलब भरोसा सा हुआ हाँ कि अगर एक मेहनत करें तो आगे हो सकता है कुछ। तो वहीं से फिर था कि चलो अब करो, अब इसी में करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, टोका टाकी कोई कुछ नहीं है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने डिसाइड कर लिया ऑफिशियली कि मतलब आपने मन बना लिया कि अब आपने करना है, तो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया कहीं से, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं सीखते, और अभी भी मैं मतलब डेली वेज तो नहीं, बट जब भी समय होता है गुरुजी के पास या मेरे पास तो मैं जाता हूँ क्लास लेने, बट अभी भी सीख रहा हूँ, और लाइफ टाइम सीखना ही है क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता, तो सीखना तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी रहता है और हमेशा सीखते रहना पड़ता है। बहुत बढ़िया आकाश, जब आपने सीखना शुरू किया और उसके बाद जब आपने ये सेटअप में आए, मतलब आपने म्यूजिक को ही अपना करियर बनाया, तो क्या स्ट्रगल्स आपको स्टार्टिंग में फेस करने पड़े? लाइक मोस्टली जैसा होता है कि गिग्स नहीं मिलते हैं, या जब एक पहला एक आपको चाहिए होता है पेड कुछ, तो वो कैसे आपको जी, मिला? नहीं, पेड का ऐसा सीन है कि पेड पेड लायक पहले बनाया खुद को, बनना पड़ता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा सा गाया और फिर ऐसा करने की नहीं मैं नहीं गाऊंगा, मतलब मैंने अभी भी ऐसा है, कुछ जान पहचान होती है, कहीं होते हैं तो मैं कुछ चार्ज नहीं करता या कुछ ऐसा नहीं है, बट स्टार्टिंग में काफी फ्री किए हैं, और अभी भी ऐसा जैसे दोस्त फ्रेंड सर्कल में कुछ है या कुछ जान पहचान है तो ऐसा कुछ नहीं, म्यूजिक मतलब म्यूजिक के लिए ऐसा कुछ लालच नहीं है अभी भी फिलहाल। अरे नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब स्टार्टिंग में किया है काफी स्टेज शो, मतलब ऐसे ही किए हैं शौक के उस पे कि चलो एटलीस्ट स्टेज का थोड़ा फियर निकलेगा जो होता है एक दिन में। हाँ, तो वो इसलिए काफी किए हैं, मतलब स्टार्टिंग में। कैसे मिला, फर्स्ट नॉन के थ्रू मिला या आपने खुद मेहनत करी? फर्स्ट गिग जो था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, फर्स्ट जो जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, फ्री किए या ये किए, तो उससे क्या है लिंक्स बनते हैं, जान पहचान बनती है। हाँ, तो फिर वो मतलब होते होते फिर खुद ही से सामने से फिर पेड अप्रोच आने लगे थे कि भाई मतलब ऐसे शो करने हैं, वैसे शो करने हैं, इस टाइप से। ओके, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। मितवा की रिक्वेस्ट आई है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन मिस हुआ है वो ले लेते हैं। आपका स्टेज फियर आपने कैसे दूर किया, मतलब जब पहली बार चढ़े तो कैसी फीलिंग थी और उस टाइम पे कैसे कंट्रोल किया उसी टाइम पे? नहीं, मेरा पहले स्टार्टिंग में होता था, मैं काफी डर लगता था स्टेज पे, जैसे होता ही है नॉर्मली, तो सिंपल की आंखें बंद करी और गा दिया, ऐसा वाला ही था सिंपल, मतलब कोई मूवमेंट नहीं बॉडी में,
माइक पकड़ा है और आंखें बंद करके गा रहे हैं, मतलब गाने पे ध्यान है, मतलब नहीं कितने बंदे बैठे हैं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। जब गाना खत्म हो गया हल्के से आंखें खुल रही हैं और बस फिर देख रहा हो गया चलो। हल्के हल्के वही है, मतलब हैबिट हैबिट बनती जाती है बनती जाती बनती जाती है, फिर मतलब एक नॉर्मल सा लगने लगता है कि यार गाना ही तो है, कुछ वो थोड़ा ना गलत भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती तो इतना कुछ वो होना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। ओके आकाश, पंजाबी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप कोई एक लेना चाहते हैं, तुषार वर्मा है जो सुनना चाह रहे हैं। चलो मैं गाता हूँ पंजाबी। ओ तू सब जानदा है, मैं छट नहीं सकती तेनो, ताहे उंगला ते तू सब जानदा है, मैं छड़ नहीं सकती तेनो, ताहे उंगला ते रोज नचाने मैनू, ओ अगले जन्म विच अल्लाह, ओ अगले जन्म विच अल्लाह, ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू, तू बना के भेजे तेनू, मैं बना के भेजे वे, हुण तेनू पता लगना कि वे पिता जांदा पानी खारा खारा वे, तू मैनू छड जाना, ये गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। थैंक यू। फैबुलस फैबुलस मैन, आप क्यों लगातार ऐसा मन करता है बस सुनते रहे और रोके नहीं so आपको much. लेकिन ये जो शो है हमारा उसमें आपकी जर्नी कवर करनी होती है हमें, इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ेगा। नो इशू, वो जरूरी भी है, नहीं तो फिर गाने 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 से ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो जरूरी भी है, बातचीत भी जरूरी है। थैंक यू तुषार, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मस्त गा रहे हो भाई, लव यू। ओके थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक्स अलॉट। ओके आकाश, मैं ये जानना चाहूंगा, ये पंजाबी सॉन्ग से कनेक्टेड बात है, आपके प्रोफाइल पे हमने देखा जस्सी गिल, मिलिंद गाबा, उनसे आपको कमेंट मिले, उनके साथ आपकी फोटो है, तो वो लम्हे कैसे बने, कैसे मिले आप उनसे? ये एक्चुअली कमेंट्स का तो रैंडमली हो जाता है, टचवुड वाली बात है, मतलब कि उन तक वीडियो पहुंच जाती है, इतने तगड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये रैंडमली टचवुड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम वीडियोस डालते हैं तो अभी टचवुड की ऑडियंस इतनी बिल्ड हो गई है कि उसमें कमेंट में टैग करते हैं लोग ओरिजिनल सिंगर को, तो वो पहुंच जाता है, ठीक है, तो वही है कि उनको अगर पसंद आ रहा है तो वो शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और फोटो का ये है कि अभी लास्ट ईयर मैंने एक शो किया था, उसमें बी प्राक सर और जस्सी गिल सर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला था। अरे नाइस, कैसे मिला वो, कैसे मौका बना, ये जानना चाहेंगे। ये भी रैंडम इंस्टाग्राम के थ्रू ही हुआ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक पेज है इंडियन सिंगर, शायद आपने देखा होगा, काफी पॉपुलर पेज है जो वीडियो फीचर करते हैं आर्टिस्ट को, तो उनका ही रैंडम कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो इफ यू वांट जाना चाहते हो तो आप मुझे कंफर्म कर दो, 10 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने कि 10 मिनट है हाँ या ना ऐसे करके। उत्तराखंड में था ये शो? नहीं नहीं चंडीगढ़ था। चंडीगढ़, ओ नियर बाय। जी जी, तो क्या हुआ था, उन लोगों को जो इनकी टीम है, बी प्राक सर की या जो भी इनकी मैनेजमेंट टीम है, उनको दी गई थी लगभग 100 लोगों की लिस्ट दी गई थी, तो उसमें से लगभग हम 6-7 लोग हुए थे शॉर्ट लिस्टेड, तो उनसे था कि इनसे फटाफट फटाफट कंफर्म करो, अगर ये रेडी है तो ठीक, फिर हम नहीं तो किसी और को अप्रोच करते हैं, तो मतलब फटाफट फटाफट उस टाइम हाँ कर दिया था, मैंने कहा ठीक है अब कौन छोड़ेगा ऐसा मौका करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम आपने क्या गाया था स्टेज पे? हम उनके सपोर्टिव सिंगर, एज अ सपोर्टिव सिंगर गए थे, बट जब प्रैक्टिस होती थी, जैसे हमारा एक हफ्ते का टूर था, पूरा 1 वीक का एक टूर टाइप का था, जिसमें हमारा रिहर्सल लगभग 4-5 दिन रिहर्सल चला था, फिर साउंड चेक, फिर स्टेज शो, तो जब हम रिहर्सल पे हम मतलब गाने वाने बहुत गाते थे, बट उसमें जो मेन शो था उसमें क्या था, हम एज अ सपोर्टिव सिंगर थे, मैं और शिवांकुर भाई, एक दो लोग और थे, बट वो बहुत मतलब एक लाइफ का, जिंदगी का बहुत यादगार वो था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम कवर करना चाह रहे हैं कि आप वो बताएं, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि कैसे वो लम्हे बने, ये बहुत जरूरी होता है, मतलब ये। और जैसे कि मतलब उन लोगों के साथ रहना, बीपरा सर, और एक प्लस पॉइंट उस दिन उस टाइम पे ये और हुआ था कि 2019 का आईफा अवार्ड आया था, ओके
है, तो ओके उसमें बी प्राक पाजी का था एक परफॉर्मेंस, तो जो वो रिकॉर्डेड था, जो उसमें जितने कोरस वॉइस थे वो हमारे थे, मतलब वो हमें स्टूडियो लेकर गए अपने और वो सारे पार्ट्स रिकॉर्ड करवाए हमसे, मेल फीमेल हम जो हमारा 6 लोगों का ग्रुप था हमसे ही रिकॉर्ड करवाया और वही वो स्टेज पे बजा था, मतलब एक कोई सोने पे सुहागा वाला उस दिन हो गया था बिल्कुल राइट राइट, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको उस चीज के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट का पार्ट है ये, क्योंकि उनके तक जाना, उनको अपने आप को दिखाना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने पहला दिन रिहर्सल था तो उनको हो सकता है उनको लगा हुआ यार कि अच्छा कर रहे हैं बच्चे तो इनको दिया जाए ऐसा करके, तो हमें कहा कि चलो स्टूडियो स्टूडियो चलते हैं, और आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है कि ऐसे मौके बनते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कि स्टूडियो चलते हैं वहाँ पे है कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज। फिर पहले रिकॉर्ड कराया, पहले बताया नहीं कि कहाँ जाना है क्या है, पहले रिकॉर्ड रिकॉर्ड करा लिया, फिर उन्होंने बताया कि अगले 1 या 2 महीने में टेलीकास्ट होगा जिसमें आपकी ये आवाज होगी। क्या बात है, बहुत सही। तो मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आपका आइडल कौन है, अगर देखा जाए तो आप किसको अपना आइडल मानते हैं? आइडल ऐसे मतलब सभी हैं जो पसंद आ जाए, या जो मतलब मैं जैसे इंस्टा इंस्टा भी स्क्रॉल करता हूँ या जो भी, तो मतलब जो अच्छा कर रहा है या जिससे इंस्पिरेशन मिल रही है तो वही आइडल है, मतलब ऐसा कोई एक नहीं है कि किसी को फॉलो करना है ऐसा कुछ है, सभी को सुनता हूँ मैं, वेस्टर्न सिंगर भी सुनता हूँ, इंडियन भी सुनता हूँ, और बॉलीवुड का पार्टी सॉन्ग भी सुनता हूँ, पंजाबी भी सुनता हूँ, सभी से मतलब ऑब्जर्वेशन लेता हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि सीखने का यही है। बहुत सही। ओके, तो आकाश हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी एक जस्सी गिल का ही कोई गाना गा दीजिए, या मितवा सॉन्ग एक निकला था वो हो सकता है कोई, अगर पहले पहले जस्सी गिल का गाता हूँ, मितवा का देखते हैं। पियानो टोन को पता नहीं क्या हो गया, आज अजीब सा साउंड कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक सेकंड लूंगा जरा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हत्था चे गुलाब लेके ने सारे ख्वाब लेके मैं बुलाया, हत्था चे गुलाब लेके ने सारे ख्वाब लेके मैं भुलाया, अज फिर ओही होया मेरे सामने सी, ओ मैं केड़ वाड़ा सी, फिर डर गया मैं ओदा हाल पूछ के मुड़ आया, अज फिर ओही होया मेरे सामने मैं कैड़ बड़ा सी, फिर डर गया मैं ओदा हाल पूछ के मुड़ आया। खुद नू मैं खुदा दा बना के वेखे ना चांदे भी होरा नू चाके वेखे है, हर सादे नाल बड़ी कोशिश कीती मैं कि फिर झूठा ना पै जाना अपनी गल तो, अज 1 साल हो ते मैं तेनू यारा भूल जाना कल तो, ये दो सॉन्ग मिक्स कर दिए थे मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा लेकिन वो भी, और आपने जब से पंजाबी गाने शुरू करे एमवी वर्क के भी आने शुरू हो गए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है हमारे पास, आप बहुत प्यारा गाते हैं, टू गुड। ओके आकाश, तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का रोल प्ले कितना है, क्योंकि आपके टिकटॉक पे 500K की फैमिली बन गई थी, अब टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन आप सोशल मीडिया को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं एज एन आर्टिस्ट, कितने आर्टिस्ट लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे अच्छे से यूज करना चाहिए? आज अभी के टाइम पे तो सोशल मीडिया मेरे हिसाब से आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
यू नो अबाउट कि रियलिटी शोज पे इतना क्या होता है, क्या सीन वो फोकस सब। करना। हाँ, रियलिटी शोज पे जाना इतना इजी भी नहीं है, और फिर या तो आपके इतने अच्छे लिंक्स हो या आप फिर इतना खतरनाक गाते हो, मतलब कि 1,000 में से आप एक अलग दिखो, ऐसा वाला हो। तो सोशल मीडिया का यही है कि आप हल्के हल्के एक तो ऑडियंस से कनेक्ट होने को मिलता है, आपकी एक अलग ही मतलब एक कम्युनिटी कम्युनिटी बनती रहती है, बिल्ड होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल रहते हैं उनसे और आपको कमेंट करके मोटिवेशन देते हैं, वो लाइक करते हैं, कुछ गलती होती है तो मैसेज में बताते भी कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये है वो है करके, और आपको सपोर्ट भी करते हैं हर बिल्कुल चीज। तो सोशल मीडिया का मेरे हिसाब राइट से काफी है, मतलब आज के टाइम पे है, पहले का नहीं कह सकते कि पहले तो था ही नहीं कुछ बट ये हाँ कि ओके सोशल मीडिया के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे अगर आप हिट हो गए हैं एक गाने के थ्रू तो आप प्रैक्टिस छोड़ के फिर खाली उसी पे फोकस करके, नहीं, पहले पहले रियाज और प्रैक्टिस है फिर ये सोशल मीडिया है, कि मतलब वो प्लस पॉइंट पे ले सकते बिल्कुल हैं आप उस चीज को। ओके भाई आप मिक्सिंग कैसे करते हो? एक क्वेश्चन आया है, आप मिक्सिंग कैसे करते हो? ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी कैसे बताया कैसे ओके एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं ये प्रैक्टिकली ओके दिखा ओके दिखाया जा सकता आप है मतलब सिस्टम पे। ओके गॉट इट गॉट इट। ओके आकाश, तो मैं आपसे ये जानना जी। चाहूंगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपको ये चांसेस मिलते गए, तो बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है जब हर कोई कई बार ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाता है, या प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होते या सॉन्ग्स नहीं बन रहे होते, तो उस वो फेज में कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हो आप? क्या अलग करते हो खुद को वापस बूस्ट करने के लिए? ये होता है, हर किसी के साथ होता है। अभी क्या है, जैसे अभी प्रोजेक्ट नहीं आना, ये तो खैर इतना अभी मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इस चीज को फुल फोकस में नहीं लिया है। वो ठीक है, एक चल रहा है, मैं मतलब मैं अपने गाने बनाता हूँ तो ये कि चलो किसी और के काम आ रहे हैं तो वो भी कर देता हूँ, वो अलग हिसाब है। वो मतलब अभी एक मतलब मेन है मेरा वो सिंगिंग का। तो डीमोटिवेशन होता है काफी, लेकिन फिर ये है कि सोशल मीडिया पे आके, या मेन ये है कि जैसे डीमोटिवेशन हो तो सबसे अच्छा है कि अपना गाने गाओ, गाने बनाओ, क्या जो फील चल रहा है उस टाइम दिमाग में, जिस चीज के लिए आप परेशान हो या कुछ भी कह सकते, तो उसको प्लस पॉइंट में लेके गाने बनाओ। सबसे मेरे मेरे लिए तो ये है, सबसे गिटार लो और स्टार्ट हो क्या जाओ मतलब ओके बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रियलिटी शोज को लेके आपका क्या टेक है, कि आप कभी हमें दिख सकते हैं रियलिटी शोज में, या आप आगे आने वाले हमें क्या प्रोजेक्ट्स और कहाँ हम आपके नए प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं? रियलिटी शो में एक में मैं गया हूँ, सारे गाँव पाके टीवी राउंड तक जा चुका हूँ एक बार, बट आई डोंट नो ओके वो टेलीकास्ट हुआ था या नहीं, उसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि ओके कुछ हो गया था उस टाइम पे, कुछ सीन हो गया था तो फिर वो क्विट करना पड़ गया। तो अभी इन फ्यूचर ओके देखते हैं, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है या कुछ नहीं है। तो ओके जी, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, कोई आपका आने सॉन्ग वाले रिलीज हो रहा प्रोजेक्ट हो? मेन मेन हाँ अभी प्लानिंग चल रही है एक एल्बम की, पांच मतलब 4 या 5 सॉन्ग इसमें होंगे, एक लेवल के थ्रू, अभी वो मैं लेवल का नाम या कुछ नहीं बता सकता। तो अभी प्लानिंग चल रही है, मतलब काम चल रहा है, गाने तैयार हैं, बट किस तरीके से रिलीज करने हैं, क्या वीडियो करना है, लिरिकल करना है या खुद शूट करना है, उस चीज पे अभी चल रही है। तो बहुत मतलब जल्द से जल्द उसका किया जाएगा कि कैसे आ रहा है क्या करके। थैंक ओके वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। ओके आकाश, यू अब कोई सो एक मच। सॉन्ग जो आप लेना चाहो, एमी वर्क के लिए भी आया था दिल तोड़या सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई थी, और एक ओल्ड सॉन्ग की रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप बॉलीवुड 90s में या कहीं जाना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, दिल तोड़िया एक्चुअली मैं अभी शायद ध्यान से नहीं आ रहा है, मैंने सुना है, मैं ओल्ड सॉन्ग गाता हूँ अभी फिलहाल। या प्लीज। कुछ हो कर कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना रे जाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, बिल्कुल
बीती बातें याद आती हैं जब अकेला होता हूं मैं, तोड़ती है खामोशियां सबसे छुप के रोता हूं मैं, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए आंसुओं में छिपी दास्तां, नया तू आ जिंदगी है कहां, सही। सुपर मैन, सुपर, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप। वही बस मैं पहले फिर बोल चुका हूँ कि सुनते रहें आपको ऐसा लगता है थैंक यू सो कि मच, मैं थैंक यू नहीं सो बोलूं मच। और मैं आपको बस सुनता रहूं लाइव, और आपकी लाइव ऑडियंस कितना एंजॉय करती होगी हम ये फील ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि हाँ मेरे पास ऐसा मतलब ऐसी कम्युनिटी एक है जो हमेशा तैयार है, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी। बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे, जी और आप डिजर्व करते हैं, आपने इतनी मेहनत करी है अपने टैलेंट पे, अपनी आर्ट पे, तो वो आप डिजर्व भी करते हैं। तो बस आकाश कर मैं ही एक रही चीज जानना है। चाहूंगा, एनी बैक स्टेज मोमेंट या कोई फनी मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, कि जो आपको याद आता हो कि यार ये हुआ था कभी बैक स्टेज, नॉट ऑन स्टेज। फनी मोमेंट बैक स्टेज, बैक स्टेज, बैक स्टेज, ऐसा मतलब छोटे मोटे तो होते रहते हैं फनी मोमेंट, जैसे कि मतलब फनी मोमेंट भी नहीं कहेंगे, जैसे लिरिक्स भूल जाना, जैसे अभी भी मैं गाते एक वर्ड भूल गया था या कुछ, तो जैसे मतलब चलते स्टेज पे जैसे कुछ गड़बड़ कर दिया, तो अभी क्या है कुछ ऑडियंस में होते हैं ओके जो जिनके कान पक्के होते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, ठीक है, अच्छा लेकिन लेकिन जो हमारा बैंड हो या वो हम आपस में देख के मतलब मुस्कुराते हैं, ठीक है आगे बढ़ो, ऐसे मतलब ऐसे वाले ऑन स्टेज हो जाते हैं कभी कभी। ओके जी बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपने बताया था आपकी क्लास है, तो हमें अभी ये बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल। करना मेरा भी पड़ेगा, ध्यान बार बार उधर जा रहा है। एंड नोट की तरफ हमें बट ध्यान है पूरा। नहीं, बट मैं बहुत ओके एंजॉय कर रहा हूँ सीरियसली, और अभी इन फ्यूचर हो सका तो हम इसको ज्यादा इंक्रीज करके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अगेन, और जी हम जी आएंगे जी दोबारा आपके साथ, ज्यादा देर के लिए आएंगे। तो मैं जाने से पहले बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका कोई एक मैसेज हो जो आर्टिस्ट लोगों को आप देना चाहते हो, स्पेशली अपकमिंग सिंगर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो। मैसेज यही है कि थोड़ा मतलब जो म्यूजिशियन है, जो आर्टिस्ट है, मतलब कोई भी हो, चाहे एक्टिंग एक्टिंग वो हो या डांस से हो या सिंगर हो या म्यूजिशियन हो, मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है, जो आजकल मुझे लगता है शायद बहुत लोग बहुत जल्दी लूज कर देते हैं कि ये मतलब 6 महीने सीखा या साल सीखा कुछ नहीं मिला तो क्विट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पे मैसेज आते हैं भैया ऐसा मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, समय लगता है, हर किसी की किस्मत अलग होती है, हर किसी की मेहनत अलग होती है, तो उस चीज को थोड़ा सा पेशेंस रख के करते रहो, हो जाता है, जब आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। थैंक बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो यू मच फॉर सो गिविंग योर मच, टाइम। जाने थैंक यू आपको, से बहुत पहले आपको ये मेरे को सेशन ऐसा कैसा लगा मेरे उसके को बारे बहुत में अच्छा लगा, मैं बताना। उसी के लिए बोल रहा था, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ, और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद मतलब थैंक ऐसा यू, कुछ कोलैब या कुछ इस टाइप का किया है मैंने, लॉकडाउन में काफी किए थे क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहे थे आपको पता है इंटरव्यू या बिल्कुल इस टाइप से, बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी काफी टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, एक रिफ्रेशमेंट टाइप का हो गया लाइफ से। जी अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी सो मच। जाने से पहले ड्रिलर्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारे पेज, हमारी कंपनी के बारे में। अरे बिल्कुल, कहना क्या है, आप इतना अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं तो प्यार आपको लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं और करेंगे भी, ऐसे ही हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ेंगे मेहनत करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू, गुड इवनिंग, मिलते हैं थैंक बहुत यू, जल्द, बाय। ओके बाय या बाय। जरूर, जल्दी मिलते हैं।